देख सकते हो, इसी सबसे गाड़ी जा रहा है अभी, और मिट्टी का रास्ता है पूरा, और इधर पे रास्ता बन रहा है, गाड़ी फंस चुका है आगे, जिसके वजह से जाम लग चुका है यहाँ पे, तो आगे जा रहे देखने क्या। तो गाइस अभी हम लोग का खिचड़ी बन रहा है, दोपहर का 3 बज चुका है और अभी हम लोग खिचड़ी बनाने लगे हैं, ये भी देख सकते हो आप लोग। और गाड़ी अपना यहाँ पे खड़ा कर दिया रास्ते के साइड में, और अभी बन रहा है हम लोग का दोपहर 3 बजे। Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Current Truck Vlog. I hope आप लोग अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो guys, अभी हम लोग जैसा कि देखे थे कल अपना गाड़ी खाली हो चुका था, तो खाली करके आज रात को पार्किंग में रुके थे और सुबह को निकल चुके हैं। तो guys, अभी देख सकते हो इधर का रास्ता, guys आप लोग यहाँ का रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब है, बारिशों के बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। भाई जो भी आ रहे हो आइजोल के लिए तो भाई रास्ता देख लो भाई, ऐसा ही रास्ता होने वाला है, बहुत ही जगह स्लाइडिंग आया हुआ है, क्योंकि रास्ता काफी खराब होने वाला है गाइस। आप लोग आ रहे तो सोच समझ के आने, क्योंकि रास्ता बहुत, हम लोग को तो बहुत तकलीफ हुआ लोड गाड़ी लेके आने में, रास्ता काफी ज्यादा खराब है जो कि आप लोग देख सकते हो। और इधर बारिश हो जाने से तो स्लाइडिंग बहुत ही ज्यादा आ रहा है, और आप लोग देख सकते हो आगे वहां पे गाड़ी सब कैसे क्रॉस कर रहा है, और रास्ता पत्थर वाला रास्ता है, बहुत डेंजर रास्ता, अभी मालूम नहीं क्या होने वाला है, आगे देखते और कहां कहां रास्ता खराब है। तो गाइस अब गाड़ी सबको क्रॉस करवा दिया, अब हम लोग का ये है जाने का इससे। अभी देख सकते हो थोड़ा खराब रास्ता क्रॉस करके आया, तो थोड़ा बस्ती वस्ती में ऐसा करके है ना, कहीं कहीं अच्छा रास्ता है, और आगे देख सकते हो गाइस आप लोग, और कहीं कहीं तो ऐसा है कि खराब रास्ता, बहुत ही ज्यादा खराब है। और इधर का गाइस घर सब देख सकते हो छोटा छोटा किस टाइप का है, जो कि काफी अच्छा लगता है घर सब जो बनाया हुआ इधर पे, बट गाइस रास्ता को एक भी अच्छा नहीं है, बहुत ही ज्यादा रास्ता खराब है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्लाइडिंग आया हुआ है, और ऐसा रास्ता है बहुत ही जगह स्लाइडिंग है, बरसात में यही दिक्कत होता है पहाड़ों में कि स्लाइडिंग आ जाता है तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। देख सकते हो यहाँ पे पूरा ये रास्ता खराब है, और इधर का गाड़ी को बंद कर रहे तो उधर का गाड़ी आ रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, और रास्ता काफी खराब है, यहाँ पे पत्थर का रास्ता है आगे। गाड़ी सब लोग देख सकते हो गाड़ी सब कैसे आ रहा है, पूरा मिट्टी वाला रास्ता है, और बहुत ही ज्यादा गाड़ी रास्ता खराब है, ये काफी रिक्स हो जाता है यहाँ पे, और बाइक वाइक सब जो भी गया वो तब फंसा हुआ है वहां पे शायद मिट्टी उट्टी ऐसा करके डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा खराब होने वाला रास्ता। अपना गाड़ी तो खाली है, देखते हैं क्या होता है। रास्ता देख सकते हो, इसी सबसे गाड़ी जा रहा है अभी, और मिट्टी का रास्ता है पूरा, और इधर पे रास्ता बन रहा है,
गाड़ी फंस चुका है आगे, जिसके वजह से जाम लग चुका है यहाँ पे। तो आगे जा रहे हैं देखने क्या वो इधर देख सकते हो, पूरा ही पहाड़ी एरिया है। और यही सब रास्ता से हम लोग गए थे लोड गाड़ी लेके, मतलब भी ये गाड़ी खराब हो चुका है अपना। हम लोग वही रास्ते में उतरने लगे, आप लोग देख सकते हो। तो गाड़ी सब आगे जा रहा है और देखते हैं, अपना भी खाली गाड़ी है तो आई होप अच्छे से गाड़ी निकल जाए। और ऐसा जगह दो ठो जगह है क्योंकि, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से अपना गाड़ी पार हो जाएगा, क्योंकि खाली गाड़ी है, स्लिप कर सकता है बहुत ही ज़्यादा। और रास्ता देख सकते हो गाइस, रास्ता है ही नहीं, नाम का सिर्फ रास्ता है और पूरा पत्थर है, पत्थर डाला हुआ है, और जो कि गाड़ी काफी स्लिप कर रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ गाइस, जो आइजोल आने वाले हैं बाहर से, वो देख लो रास्ता कैसा रास्ता है यहाँ का। बहुत ही खतरनाक रास्ता है। अभी खाली गाड़ी में लोड गाड़ी हम लोग लेके गए थे तो भी सही था, फिर बारिश होके बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। कैसे भी करके पार हो जाए बस, और कुछ नहीं। खाली गाड़ी ना, और भी स्लिप कर रहे हैं। खाली गाड़ी बहुत स्लिप कर रहा है। लोड गाड़ी से ज्यादा रिक्स हो जाता है, खाली गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्लिप कर रहा है, किधर चले जाएंगे मालूम नहीं। और इसी रास्ते में छोटा छोटा बच्चा लोग जो है स्कूल जा रहा है, अब ये लोग कैसे जाएगा इसमें, बहुत ही ज्यादा दिक्कत है ये रास्ते में, फिर भी जा रहा है। फाइनली गए, हम लोग निकल चुके हैं और मिट्टी देख सकते हो, रास्ते में बारिश आएगा तो गाड़ी स्लिप करना ही करना है। अब इसमें ऐसा हो जाता है ना, कौन से गाड़ी में कब लग जाएगा स्लिप करके मालूम नहीं, तो हम लोग को देख के अभी निकालना इधर से, क्योंकि गाड़ी स्लिप भी कर सकता है। तो अभी चल रहा है गाइस, हम लोग देख सकते हो मिट्टी वाला पूरा रास्ता, रास्ता है ही नहीं। और एक जगह आने वाला है जो कि बहुत ही खतरनाक रास्ता है, उसका भी इससे भी बहुत ज्यादा खराब हाल है। अब देखते हैं अच्छे से पार हो जाए अपना। और ब्रेक तो लेने पे गाड़ी स्लिप कर रहा है, ब्रेक भी नहीं लग रहा है। इतना कीचड़ है क्या ही बोलूं। तो गाइस हम लोग जो रास्ता खराब का बात कर रहे थे, जो आप लोग आगे देख सकते हो रास्ता जो खराब, मैंने बोला था कि एक जगह और ऐसा ही खराब है, वो कि आ चुका है देख सकते हो गाइस। तो बहुत ही रास्ता का हालत बहुत ही खराब है।
बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा गाड़ी स्लिप करता है बहुत, और बारिश भी वैसा ही हो रहा है। अपना खाली गाड़ी है, देखते हैं क्या होता है। और एक गाड़ी शायद फंस चुका है आगे। शायद बड़ा वाला गाड़ी फंस चुका है, उसका चक्का घूम रहा है। और बारिश का मौसम भी लगा हुआ है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो आइजोल का रास्ता, आइजोल मिजोरम का रास्ता कैसा है। काफी बुरा हाल है, गाड़ी कितना स्लिप कर रहा है आप लोग देख सकते हो। बहुत ही ज्यादा स्लिप कर रहा है। गाइस देख सकते हो अभी लाइन चल पड़ा, और ये स्कूटी वाले लोग को तो पूछो मत, जबरदस्ती धूप से धूप रहे हैं। वो गाड़ी देख सकते हो गाइस स्लिप कर रहा है कैसे। मालूम नहीं अपना गाड़ी क्या स्लिप करता है या नहीं। अपना गाड़ी भी स्लिप कर रहा है क्योंकि हम लोग धीरे धीरे बढ़ाने लगे हैं। हल्के स्कूटर पे गाइस आने टाइम में हम लोग ऊपर से आए थे। गाइस रास्ता देख सकते हो आप लोग, जाने टाइम में हम लोग ऊपर से गए थे, वो ढलाई वाला रास्ते से, वो भी लोड गाड़ी जितना कीचड़ है, बहुत ही ज्यादा स्लिप कर रहा था। और अभी ये हम नीचे से हम लोग जा रहे हैं, इसमें भी गाड़ी स्लिप कर रहा, वो गाड़ी देखना कितना स्लिप करेगा। जो कि आप लोग देख सकते हो वो गाड़ी कितना स्लिप कर रहा, चक्का देख सकते हो गाइस। काफी ज्यादा स्लिप कर रहा है। क्या ही बोलूं, इधर का रास्ता देख सकते हो, मिट्टी का रास्ता है पूरा। इसी पर से हम लोग लोड गाड़ी लेके गए थे, और वो सब गाड़ी रुक चुका है। अब मालूम नहीं उन लोग का गाड़ी नहीं चढ़ रहा है, क्या हो रहा है, इसके लिए रुक चुका है। इस आप लोग आगे रास्ता देख सकते हो कैसा रास्ता बना हुआ है, जो कि आइजो और यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, धीरे धीरे हल्का एक्सीलेटर में चलना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी गाड़ी को स्लिप करके लग सकता है गाड़ी से। जो भी आइजोल आने का सोच रहे हो भाई, जो भी भाई आइजोल आने का सोच रहे हो तो रास्ता देख लेना भाई एक बार, वो भी बरसात के मौसम में। अभी ये काफी ज्यादा रास्ता खराब है। तो गाइस अभी हम लोग बॉर्डर, मिजोरम बॉर्डर जो है पहुंचने वाले हैं। तो अभी गाइस दोपहर का बजने वाला है 12, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ से 10-15 किलोमीटर है मिजोरम बॉर्डर। इधर का लोकेशन देख सकते हो गाइस,
पूरा ही चढ़ाई वाला एरिया है और अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को, 10-15 किलोमीटर है बस, बॉर्डर पहुंच जाएंगे, वहां से फिर अपना नीचे उतर जाएंगे और फिर देखते हैं उधर जाके कुछ खाना वाना जो भी है बनाएंगे अपना। ठीक है जी, और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑटो ऑटो वाले का पहिया ही खुल गया, ऑटो वाले का पहिया ही खुल गया एक। गाइस अभी हम लोग का खिचड़ी बन रहा है, दोपहर का 3 बज चुका है और अभी हम लोग खिचड़ी बनाने लगे हैं, ये भी देख सकते हैं आप लोग। गाड़ी अपने यहाँ पे खड़ा कर दिया रास्ते के साइड में और अभी बन रहा है हम लोग का 2:30 बजे।